हाँ जी बाबा, एक वाणी में बताया गया है, उस माता भी राजयोग सिखा सकती है। उस माता ने भी राजयोग सिखा सकती है। राजयोग सिखाए सिखा सकती है बोल। कुछ माताएं भी नहीं, उस माता भी राजयोग सिखा सकती है। ये तो वाक्य सही नहीं है। मुरली का सही वाक्य निकालो। हाँ, उस माता ने राजयोग सिखाया। जगत पिता है तो जगत पिता के साथ जगदम्बा भी है, और जगदम्बा एक है कि उनमें भी प्रवृत्ति मार्ग है, है? अम्बा एक है या दो हैं? दोनों विधवा हैं कि दोनों सधवा हैं? इसलिए महालक्ष्मी कहा जाता है। इसलिए बोला माता बिगर, माता गुरु बिगर उद्धार हो नहीं सकता। और ये जो आठ प्रश्न है बाबा, जो परीक्षा हाल में आठ प्रश्न आ गए, आ तो गए लेकिन उसका एक जवाब सभी एक ही तरह से देना है या तरह? अब जैसा जैसा स्टूडेंट ने पढ़ाई पढ़ी होगी वैसा वैसा जवाब देगा। कंक्लूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्यों हो जाएगा? तरीका तो अलग अलग है ना। उत्तर देने के उत्तर पुस्तिका में सब एक जैसा जवाब देंगे कि जवाब में अंतर पड़ेगा? अंतर पड़ेगा। जिन्होंने एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ी होगी वो एक्यूरेट जवाब देंगे। नहीं तो नंबर बार देंगे। उसका छोटा सा एक उसका विस्तार है। आठ प्रश्न का सभी का एक सैंपल, सभी का क्या, सभी का एक सार रूप में समझाएंगे तो? सार रूप में समझाओ ना, अच्छी बात है। सार रूप में आप बोलेंगे ठीक हो रहे हैं ना? हाँ, जो सार रूप है उसने तो पढ़ाई पढ़ा दी। आज जब परीक्षा हाल में प्रश्न पत्र आया तो कहते सार हमें बता दो। नहीं, क्योंकि दूसरों को समझाने का समय कोई मना करता है समझाने के लिए? समझाओ, कोई नई बात तो नहीं आ गई? ऐसी कोई बात आ गई जो पढ़ाई में पढ़ाई नहीं गई हो, सिलेबस में ना आई हो? है, जो भी प्रश्न आए हैं वो सिलेबस के अंदर से आए हैं या बाहर से आ गए? तो जवाब दो। और में बाम्स फट रहे हैं? हाँ, पहले ज्ञान के बाम्स फटते हैं फिर स्थूल बाम्स भी फटते हैं।
बम्बई की पार्टी पहली पहली बार जब गई भट्टी करने, तो बम्बई में पार्टी में जो भी गए उनकी खोपड़ी में नए नए पॉइंट्स फटे कि नहीं फटे, तो परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ही स्थूल बाम भी फटे उसी समय, हद में होगा तो बेहद में भी होगा, बेहद में होगा तो हद में भी होगा। बापू जो है बड़ा तीर्थ स्थान है बाबा, भारत तो कैसे बड़ा तीर्थ स्थान है? भारत बड़ा तीर्थ स्थान नहीं है, तीर माने किनारा। जब नाव चलती है ना नदी में तो किसी किनारे पहुंचाएगी कि नहीं, कि नदी के अंदर भंवर पड़े हुए हैं उन भंवरों में ही घूमती रहेगी। अगर ठिकाने नहीं पहुंचाया, किनारे नहीं लगाया, तो विषय वैतरणी नदी में ही डूब जाएगी। ढाई हजार साल से ये विषय वैतरणी नदी बह रही है, विषय सागर चल रहा है। अभी जहाज मिला है, जहाज का नाम दे दिया शंकर चाप जहाज, यही चढ़ उतर है पार नर, बूढ़ सकल संसार। जो उस जहाज पर चढ़ गए वो पार हो गए, बाकी सब डूब मरे। तो जहाज कौन सा है, स्वदेशी है या विदेशी है? स्वदेशी जहाज है, उसका नाम है भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। उस भारत में भी आबू पर्वत जो है वो कौन से स्टेट में है? है राजस्थान, राजाओं का जो स्थान है। वो है आबू पर्वत, लेकिन देहधारी का सबसे बड़ा संगठन आबा में होता है। है देहधारियों का इस्लाम धर्म में होता है, है? बड़ा संगठन। हाँ देहधारी, तो जो भी देहधारी हैं उनके आधार मूर्त और बीज रूप कहीं इकट्ठे होंगे या नहीं? कहाँ इकट्ठे होते हैं? हैं? आबू में। आधार मूर्त तो इकट्ठे हो गए बेसिक में, अब किनकी बारी है? अब बीज रूप स्टेज में टिकने वालों की बारी है। तो उन बीज रूप स्टेज में जो टिकने वाले हैं, अलग अलग धर्मों के बीज, उनमें कौन पहले मरेंगे? इस्लाम धर्म के पहले मरेंगे। तो ज्यादा संगठन बड़ा किसका इकट्ठा होगा? है खाबा वालों का होगा। और होता है कि शरीर कट जाएगा और आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। जब तक शरीर ठीक नहीं है, तो आत्मा कैसे याद कर सकती है? भक्ति में तो बोलते हैं शरीर ठीक है तो पुरुषार्थ करने का कुछ ये जोश रहता है, जब शरीर कमजोर ढीला हो गया। जब भूत प्रवेश करता है तो कमजोर शरीर वाले में भी ताकत आ जाती है या नहीं आ जाती है? तो कौन काम कर रहा है? आत्मा काम कर रही है या शरीर काम कर रहा है?
आत्मा काम कर रही है। तो मूल आत्मा है या शरीर है? शरीर को भी चलाने वाली कौन है? आत्मा है। तो बाप आत्मा में पावर भरने आए हैं या पहलवान बनाने आए हैं? है, आत्मा में पावर भरने आए हैं। आत्मा में पावर होगी तो शरीर लुंजुम पुंजुम भी हो, बीमारियों का पुतला भी हो, तो भी बहुत सर्विस करके दिखावेगा। और आत्मा कैसे, शरीर भी ठीक होना चाहिए ना, आत्मा पवित्र होंगे तो शरीर को ठीक कर लेगी। काम चलाऊ, जब आज की गवर्नमेंट काम चलाऊ है या मुकर्रर है, है? तो ठोक पीट के ठीक कर लेते हैं ना। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो गवर्नमेंट बनाई वो कैसी थी? अटल गवर्नमेंट बनी या ठोंक पीट के बनाई गई? है, और कांग्रेसियों ने भी गवर्नमेंट बना ली, कुछ पुर्जा इधर से जोड़ा, कुछ उधर से जोड़ा, कोई उधर से जोड़ा। आजकल तो ऐसे ही चलता है, आजकल तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। तो शिव बाबा का भी ऐसे ही चलता है। ये सूक्ष्म शरीरधारी जो आत्माएं हैं अलग अलग धर्मों की, ये प्रवेश करेंगी तो ताकत आएगी या नहीं आएगी? है, अरे राम भगवान को हनुमान का सहारा लेने की क्या दरकार? उनको भी सहारा लेने की दरकार थी कि जो उनके कंधे पर चढ़ के हवा में उड़े। ये पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज में चढ़ने की बात है, उड़ने की बात है। एक एक में अनेकों आत्माएं प्रवेश करेंगी, प्रवेश करेंगी विरोध करने के लिए, लेकिन प्रवेश करने के बाद जब ज्ञान सुनेंगी तो पलट जाएंगी या नहीं पलट जाएंगी? है, पलट जाएंगी। जब पलट जाएंगी तो सहयोगी बन जाएंगी या विरोध करेंगी? सहयोगी बन जाएंगी। उनकी सूक्ष्म शक्ति से जो कमजोर आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर के विकारों में गिर करके कमजोर बन गई हैं, वो भी उड़ने लग पड़ेंगी। चंद्रग्रहण लग गया था पूरा, है? चंद्रग्रहण लग गया था पूरा। कब लग गया था? दो महीने के पहले। है, दो महीने के पहले जुलाई में, जून में हुआ था ना, 25 साल के बाद ग्रहण लगता है। हाँ, बाद में 2041 में फिर लगेगा ऐसा। 40 अभी जो लगा है उसके बाद एक 30 साल के बाद ही लगेगा वो। 41 30 साल के बाद थोड़ा ही होगा, 11 साल, 24 साल बता रहे कि 25 साल। अच्छा चलो जो भी। हाँ तो कहना क्या है? उसका अंधकार पूरा हो गया, तो उसका पूरा अंधकार कहाँ हो गया था बताएंगे? अब बताने से थोड़ा ही सुनना है, कोई देश बताओ जिस देश में पूरा अंधकार हो गया। बाबा एक बार वेस्ट बंगाल में हुआ था, हाँ, चंद्रग्रहण लग गया था। हाँ, रात जैसा हो गया सब, रात में रात होती ही है, सूर्य ग्रहण ऐसा पड़े जो दिन में भी रात हो जाए, उसको कहेंगे संपूर्ण सूर्य ग्रहण। चंद्रग्रहण तो रात में होता ही है, और चंद्रग्रहण होता ही तब है जब पूर्णमासी होती है। अरे बेहद में ब्रह्मा को पकड़ो, जगदम्बा तो डब्बा है,
ब्रह्मा वाली आत्मा इस सीजन के अंतिम तारीख को जब आई थी तो ना कह गई थी ये अंतिम मिलन है इस सीजन का। अब अगले सीजन में अगर आवेंगे तो आवेंगे, फिर 13 दिन के बाद फिर आना पड़ा। उनको आह्वान कर लिया, बुलाओ, बड़ी आफत आ गई, आपे ही तरस पर हुई। तो जैसी उनकी बात है कि बच्चों के मोह में होकर के आ तो जाते हैं, लेकिन बंबई में जो बम फटे उनका समाधान तो उनके पास भी नहीं है, तो समाधान कहां से देंगे? रोशनी में है या अंधेरे में है? तो अंधेरे में आ गए। खुद तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जवाब थोड़ा ही कुछ मिला। और मुंबई और तमिलनाडु चेन्नई तो समुद्र के गर्त में डूब जाएगा बोलते ना। और केरला नहीं डूबेगा? मुंबई में मिनी बदवन है, इधर क्यों नहीं है? चेन्नई में क्यों नहीं है, मिनी बदवन क्यों है? ये विरोधी है ना, है जो तमिलनाडु है उसमें हिंदी का ज्यादा विरोध होता है या कम विरोध होता है? है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान खूब विरोध करते हैं। तमिलनाडु तो मिल नॉट, तुम नहीं मिलते तो हम भी नहीं मिलते। ऐसा किसी और स्टेट में है जो हिंदी भाषा से इतनी ज्यादा नफरत हो? है, है? और स्टेट्स में क्या तमिलनाडु के पढ़े लिखे तमिलियंस ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन नहीं है? है, है? लेकिन तमिलनाडु में एक भी ऊंचा ऑफिसर ऐसा नहीं होगा जो तमिल भाषा न जानता हो। तमिल भाषा जानेंगे तो सब प्रकार की राहत मिलेगी, तमिल भाषा नहीं जानेंगे तो कोई भी प्रकार की राहत मिलने वाली नहीं। तो ये पार्शलिटी की दुनिया हुई या नहीं हुई? है, ये तो पार्शलिटी वाली बात हो गई। बड़ा देहभान हुआ या छोटा देहभान हुआ? है, कैसा देहभान हुआ? बड़ा देहभान हो गया। ये जय अम्मा का देश है, बड़ी से बड़ी अम्मा कौन है बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में? जगदम्बा, उनकी भाषा ही अलग है। ये तमिल भाषा की जो लिखावट है वो कौन सी भाषा की लिखावट से मिलती जुलती है? हाँ? नहीं, मलयालम से नहीं मिलती जुलती है। तमिल भाषा की जो लिखावट है वो कौन सी भाषा से मिलती जुलती है? अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर्स की लिखावट है
उससे मिलती जुलती लिखावट है। एकदम दो लाइनें खींच दो, सारे कैपिटल लेटर सूजी के अंदर आ जाएंगे, देखने में बड़ी अच्छी लगेगी। ये ब्रह्मा कुमारियों का बीज है। ब्रह्मा कुमारियां बहुत मीठी मीठी भाषा बोलती है। मिनी मधुन ने बाबा की याद सतो प्रधान याद है। मिनी मधुन ने जो बाबा की याद करते हैं वही सतो प्रधान याद है। तो फिर ये चेन्नई तमिलनाडु में उनका क्या हाल है? क्यों चेन्नई तो चेन्नई के पास मिनी मधुन नहीं है? पास है, कोई आ नहीं कर रहा, कोई आ नहीं पा रहे है। ये अपना कर्म भोग है। ना आ पाने की बात तो ये है कि जहाँ जहाँ मिनी मधुन खुले हुए हैं वहाँ भी बांधेली माताएं हैं, वो नहीं आ पाती है। इसके लिए क्या किया जाए? बाकी ऐसे तो नहीं कहेंगे नहीं है, अगर नहीं है तो बेलूर में खोला जा रहा है। चलो कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। अच्छा नहीं है, नहीं है से हो जाएगा या करने से हो जाएगा? है हाँ, करने से होगा। वो माता त्रिची में लगी हुई है 3-4 महीने से। त्रिची तमिल का सेंट्रल प्लेस है और 7-8 आत्मा निकाल ली तो प्रयास कर रही है तो सफल हो सकती है ना। चलो धन से नहीं तन से नहीं तो मनसा से तो सहयोग दे दो तो तमिलनाडु के सेंट्रल में खुल जाएगा। लास्ट सो वहां से जा सकता है। बताओ लास्ट में ऐसा कौन राजा है दुनिया का? जो फर्स्ट बहुत फास्ट गति से राजाई करता है उससे बड़ा राजा कोई दुनिया में होता ही नहीं। जो उतनी बड़ी राजाई करे है कौन? अशोक। अशोक तो कलयुग के अंत में कहा हुआ है? ये तो अंत का राजा बताया है। विक्टोरिया, विक्टोरिया ने सारी दुनिया पर राज्य किया है। यूके यूके ने इस्लामियों के ऊपर राज कर पाया अभी? राज करेगा खालसा। क्या बाप आए हैं किसके माथे पर ताज देने आए हैं? माताओं के माथे पर ताज देने के लिए आए हैं। सारी दुनिया पर माताएं राज्य करेंगी। माताओं में कौन है माता वो जो लक्ष्मी के ऊपर भी राज्य करेगी है? राजमाता जगदम्बा। वो हद की जगदम्बा तो जयम्मा यहीं बैठी हुई है, तो जहां हद की है वहां बेहद की भी आ जाएगी। तो लास्ट सो फास्ट हुआ ना तमिलनाडु है? सागर के नजदीक है या दूर है? है नजदीक है।
यहाँ देवी देवता परमेश्वर बन जाएंगे। हाँ, और दो माताएं मिलकर के अगर हाथ मिला लें, एक तरफ मायावती और दूसरी तरफ जयललिता, तो पूरे हिंदुस्तान की राजा ही नहीं ले सकती। और हाथ तो मिला ही लिया। क्या माया ने प्रकृति के साथ हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया? हाथ तो मिला ही लिया, तो दोनों मिलकर के पावरफुल तो बन गई। ये बताया गया है कि पूरा साउथ इंडिया सब समुद्र में डूब जाए। ठीक है, डूबी जा, डूबी जा, होगी नहीं फिर? अरे राज करने के बाद फिर आखिर अंत भी होगा कि नहीं होगा? है ये राज्य करना, संगम युग में ब्राह्मणों के द्वारा राज्य करने की इच्छा करना अच्छी बात है या बुरी बुरी बात है? बोलो। ब्राह्मणों को राज्य करना शोभा देता है, ब्राह्मणों को सेवाधारी बनना है या दूसरों के ऊपर हुकुम करने, हुकुम चलाने वाला बनना है? सेवाधारी बनना है। लेकिन लालसा ये है कि हमारा राज्य चले, तो लालसा भगवान पूरी कर देगा। लो राज्य करो, तो फिर उसकी भी लिमिट होगी या नहीं होगी? और लिमिट पूरी होती है, डूबी जा हो जाती है, फिर सच्चाई फिर प्रत्यक्ष हो जाएगी। बोलो बोलो बोलो। बाबा अभी जो मंदिरों में से खजाना मिल रहा है, जो खजाना दबा दबा के रखते रहे राजा हैं, वो अच्छे राजाएं थे जो प्रजा वर्ग है उसको अपना बच्चा समझते थे, या उनसे चुरा के रखते रहे? बच्चा समझ के रखते रहे, उनसे चुरा के धन संपत्ति इकट्ठा करके रखी है। उस मंदिर का नाम क्या है? पद्मनाभ। कौन है? है जिसकी नाभि में पद्म है, ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। चोर है, चोर। चुरा चुरा के रखेंगे तो ना अपने काम आएगा, न तो पोत्रे तरपोत्रों के काम आएगा। किसके लिए चुरा के रखा था? जब चुरा के रखा था तो बुद्धि में क्या बात थी कि हमारे पोत्रे तरपोत्रे खाते रहेंगे? फिर पोत्रे तरपोत्रों के भी काम नहीं आया और पब्लिक के भी काम नहीं आया। किसके काम आ गई वो धन संपत्ति? भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के हाथ लग गई। क्यों की वाणी है अभी कराची से? हाँ जी। और ओम शांति। भक्ति का कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बाकी हाँ, कोई कोई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए रुद्राक्ष के मणकों को पहनते हैं,
वो एम ऑब्जेक्ट हो गया पहनने का। ऐसे ही तुलसी के माला के भी कुछ औषधीय गुण हैं। किसी वैद्य ने बताया है तो सुरक्षा के लिए पहनते हैं तो दूसरी बात, बाकी कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, भक्ति मार्ग में पहनते आए हैं इसलिए पहनते हैं, ज्ञान में आ गए हैं, भक्ति कर ली है, बाबा को पहचान लिया है फिर भी पहनते हैं, तो बाबा कहेंगे अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है इसलिए भक्ति करते रहो, माला पहनते रहो। जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो माला आदि पहनना अपने आप बंद कर देंगे। गंगा के आठ पुत्र अष्टावसु, उनमें से सात पुत्रों को गंगा पानी में डुबो कर मार देती है, लेकिन आठवां बच्चा राजा शांतनु को देती है जिसको भीष्म पितामह कहा जाता है। तो गंगा उनको छोड़कर क्यों चली जाती है? गंगा का जो पार्ट है वो कौन से धर्म वालों में ज्यादा मान्यता प्राप्त है? है? सन्यासियों में ज्यादा मान्यता प्राप्त। तो सन्यासी सन्यासी को ही ज्यादा मान्यता देंगे या गृहस्थियों को ज्यादा मान्यता देंगे? सन्यासियों को देंगे। तो गंगा अगर घर गृहस्थ छोड़ के चली जाती है तो सन्यास धर्म का पालन करती है या नहीं करती है? करती है। उसके आत्मा में जो धर्म का स्वभाव संस्कार नुधा हुआ है वो अपने धर्म में रहती है। इसलिए एडवांस में भी गंगा आदि में भी निकलती है, जिस बाप से जन्म लेती है उसको छोड़कर चली जाती है। आदि में गंगा निकली तो अंत में फिर निकलेगी, गंगा निकलेगी तो गंगा के पीछे पीछे सन्यासी भी निकल पड़ेंगे। अब रही आठ वसुओं की बात, तो जैसे क्रिश्चियंस ने बौद्धियों ने जैन धर्म वालों ने सबने सनातन धर्म को फॉलो किया है, ऐसे ही सन्यासियों में भी सनातन धर्म को ही फॉलो किया है। सनातन धर्म में वास्तविक रूप में आठ नारायण हुए हैं, जो कृष्ण जैसे आठ बच्चे पैदा होते हैं, कृष्ण उनको कंस उनको कोस लेता है, और अकेला कोसता है या कंस के साथ कुछ और आत्माएं भी इस कंस कोसने में सहयोगी बनती हैं।
कृष्ण जैसे बच्चों को अकेला मार लेता है क्या? कोई सहयोगी बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं। ऐसे ही सन्यासियों में भी ये विधान बना हुआ है, सात नारायण जैसी आत्माएं जो कम कलाओं वाली हैं, वो माया की चपेट में आ जाती हैं। और कंस उन्हें कोस लेता है। ऐसे ही सात वसु माया की चपेट में दिखाए गए हैं। आठवां महारथी बच जाता है। जो बहुत महान कहा जाता है, पावरफुल कहा जाता है, सन्यासियों में पावरफुल भीष्म पितामह। बाकी को ज्ञान जल में डुबो ही दिया जाता है, बोड़म बोड़ कर दिया जाता है। शंकर का पार्ट बड़ा वंडरफुल है, जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते, तो क्या वंडरफुल पार्ट है। अरे नारियल का पार्ट है, कौन से फल का पार्ट है? ऐसा कोई फल है जिसमें तीन नेत्र दिखाए जाते हो? नारियल का ही फल है। नीची स्टेज में फलीभूत होता है या ऊंची स्टेज में फलीभूत होता है? ऊंची स्टेज में फलीभूत होता है। वो नारियल सागर के किनारे रहने वाला है, नजदीक रहने वाला है, या ज्ञान सागर से दूर रहने वाला है? नजदीक रहने वाला है। नारियल किसके ऊपर अर्पण होता है? है? शिव के ऊपर अर्पण होता है और नारियल देवियों के ऊपर अर्पण होता है। देवी के मंदिर में भी नारियल तोड़ते हैं, धार से मारते हैं, दो टुकड़ा हो जाता है। माने उसका पार्ट, जो भी पार्ट है, जो भी पार्ट वो बजाता है, वो पार्ट रियल है या अनरियल है? हैं? रियल पार्ट है। जो देखने सुनने और समझने में आता है ऐसा पार्ट नहीं है, वो तो अनरियल बात है। बात तो कुछ और है, क्योंकि उसमें प्रवेश वो करता है जो किसी की आंखों से देखने में नहीं आता है। वो गारंटी लेता है कि इसके द्वारा जो कुछ बोला जाता है, जो कुछ कर्म इंद्रियों से कर्म किया जाता है,
जो कुछ मन से वाइब्रेशन छोड़े जाते हैं उन सब बातों का जिम्मेवार मैं हूं। तुम सदैव ऐसे ही समझो, ये शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा करते हैं, ब्रह्मा नहीं करते, या प्रजापिता ब्रह्मा नहीं करते, नहीं कहते। जो सिख धर्म का पूर्वज है उसकी इस समय क्या विशेषता होगी? सभी धर्मों के पूर्वज कौन सी लिस्ट में आते हैं? है? अष्ट देवों की लिस्ट में आते हैं। कौन कौन से धर्म हैं जिनके पूर्वज अष्ट देवों की लिस्ट में आते हैं? सूर्यवंश, चंद्रवंश, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख। ये आखिरी धर्म है जिनके पूर्वज आठ की लिस्ट में आते हैं। तो जो सिख धर्म की विशेषताएं बताई हैं वो ही विशेषता होगी या दूसरी होगी? क्या विशेषता बताई सिख धर्म की? है? एक नारी सदा ब्रह्मचारी, और प्रवृत्ति मार्ग के बगैर रह नहीं सकते। जैसे देवी देवता सनातन धर्म प्रवृत्ति मार्ग का है, वैसे सिख धर्म भी प्रवृत्ति मार्ग का है। और किसके सहयोगी बनते हैं? भारत के सहयोगी तो बनते हैं, इस्लामियों के, बौद्धियों के, क्रिश्चियंस के सहयोगी नहीं बनते। किसके सहयोगी बनते हैं? है? भारत माता के ही सहयोगी बनते हैं। और धर्म वालों की सहयोगी नहीं बनते। जो देवता धर्म वाले हैं उनके ही सहयोगी बनते हैं। देवता धर्म में जो असली देवता बनने वाली आत्माएं हैं वो चंद्रमा और चंद्रमा को फॉलो करने वाली हैं या सूर्य को फॉलो करने वाली हैं? है? सूर्य को फॉलो करने वाली है। देवताएं बुद्धू होते हैं या सूर्यवंशी? सूर्य को फॉलो करने वाले बुद्धू होते हैं। देवताएं बुद्धू होते हैं, इसलिए वो बुद्धू पने का जो गुण है वो सिखों में भी आ जाता है। भगवान को जल्दी पहचानते हैं या अंत में जाके पहचानेंगे? अंत में पहचानेंगे। ये भारत में ये कहावत प्रसिद्ध है, अभी 12 नहीं बजे हैं, माना सूर्य सबसे जास्ती गर्म माहौल कितने बजे पैदा करता है? 12 बजे। ज्ञान सूर्य जब ऊपर उठते उठते ठीक ऊपर आ जाएगा तब उन्हें पहचान होगी। जैसे विदेशी लोग ज्ञान सूर्य उदय होता है उसी समय पहचान लेते हैं,
रात्रि के 12 बजे से ही दिन की पहचान हो जाती है, लेकिन सिखों को पहचान नहीं होती। बिल्कुल, जो गुण पूर्वज में नहीं होगा, बीज में नहीं होगा, वो झाड़ में कहां से आ जाएगा? ओम शांति।